और तेज बारिश के चलते जगह जगह जलभराव भी है कल से, और जाम की स्थिति भी बनी हुई है क्योंकि कई जगह ट्रैफिक सिग्नल्स भी खराब हो गए हैं और जलभराव के कारण सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। कई रोड टूट गई हैं जिसकी वजह से वाहन थम गए हैं। जसोला यू टर्न पर रोड टूटी हुई है जिसकी वजह से गाड़ियां वहां रुकी हुई हैं, एक लंबा जाम लग गया है और यही स्थिति दिल्ली के कई इलाकों में है। कल से हुई भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव। जतिन शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जतिन, जसोला से खबर आ रही है जहां पर यू टर्न के पास रोड टूट गई है। जी बिल्कुल, इसी तरीके का नज़ारा कल हमने गाजियाबाद के वसुंधरा में भी देखा था और अब जसोला में भी जो सड़क के पास जो है वो सड़क जो धंसने की घटना सामने आई थी। हालांकि मौसम विभाग के अगर माने तो आने वाले जो 2 घंटे होंगे वो दिल्ली में भारी बारिश हो सकती है। इसी को देखते हुए जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है, लोगों को दिक्कतें का सामना ना करना पड़े, इसको देखते हुए भारी मात्रा में सड़कों पर उतारी गई है। कल भी जिस तरीके की स्थिति देखने को मिली थी और जो ट्रैफिक पुलिस ने जो आंकड़ा दिया था कि 29 ऐसी जगह थी जहां पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी और दिल्ली अलग अलग इलाकों में जाम हो गया था। कहीं ना कहीं कल से सबक लेते हुए दोबारा से कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके की स्थिति कल थी कि घंटों लोगों को जाम में फंसना पड़ा था, वैसे स्थिति अब दोबारा ना हो, उसी को लेकर तमाम कोशिशें जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और अलग अलग इलाकों में सुबह से ही जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। जिस तरीके से यूपी बॉर्डर जो कि दिल्ली से नोएडा अपने दफ्तरों में आ रहे थे उनको पहुंचने में काफी देरी हो रही है। साथ ही जवाहरलाल नेहरू मार्ग की भी जानकारी मिली है कि वहां पर भी भारी जो ट्रैफिक जाम है लगा हुआ है। मयूर विहार फेज 2 के पास लंबी लंबी कतार है लाइनों गाड़ियों की। तो ये अभी शुरुआती जिस तरीके से दिन आगे बढ़ रहा है, ऑफिस टाइमिंग नजदीक आ रहा है, तो जाम की स्थिति के जो जानकारी है वो भी सामने आती नजर आ रही है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस का ये कहना है कि स्थिति को कंट्रोल करने के लिए जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी है उनको सड़कों पर उतारा गया है। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग बोल रहा है कि आने वाले 2 घंटे दिल्ली में भारी बारिश हो सकती है, जाहिर सी बात है अगर ऐसा हुआ तो जलभराव की स्थिति एक बार फिर से दिल्ली में और ज्यादा देखने को मिल सकती है। ट्रैफिक जाम से लोगों को परेशान होना पड़ सकता है और ट्रैफिक व्यवस्था को सामान्य रखने के लिए उतनी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। जी चलिए, हर्षित मिश्रा भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हर्षित, इस समय आप दिल्ली के किस इलाके में मौजूद हैं और क्या स्थिति है, क्योंकि कल से ही बहुत बारिश हुई थी और कई इलाकों में इस समय जाम लगा हुआ है क्योंकि जलभराव बहुत ज्यादा है। देखिए, मैं इस समय बाहरी रिंग रोड जो बुराड़ी रेड लाइट है जो बाईपास, यहाँ पर मौजूद हूँ और जिस तरीके से पूरी दिल्ली का नजारा है कुछ वही तस्वीर बुराड़ी और जो रिंग रोड है यहाँ पर भी देखने को मिली। जाम की समस्या से यहाँ पर भी लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। कई जो लंबी लाइनें लगी हुई हैं उसमें लोगों को परेशानी हो रही है और जो लोग ऑफिस के लिए निकले हैं खास तौर पे उन लोगों को परेशानी है कि वो समय पर अपनी ऑफिस में अपने काम पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि घर से जब निकलते हैं तो मेन रोड पर जाते ही जाम मिलता है, उससे लोगों को परेशानी हो रही है। और ये नजारा ना सिर्फ आज और कल का है बल्कि जब भी राजधानी दिल्ली में बरसात होती है तो जलभराव के कारण कुछ इसी तरीके की तस्वीर पूरी दिल्ली की बन जाती है। और हालांकि आज अगर बात की जाए, क्योंकि कल भी बारिश हुई थी, पूरी रात बारिश हुई है और आज सवेरे से जो रिमझिम बारिश चल रही है उसको जाम की समस्या से निपटने के लिए जो ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने ट्रैफिक जो कर्मी है उनको सड़कों पर जरूर उतारा है। तमाम जो रेड लाइट्स हैं वहां पर ट्रैफिक कर्मी खड़े हुए हैं, मूव करवा रहे हैं ट्रैफिक को। लेकिन चूंकि जगह जगह पर जलभराव है उस कारण से जो गाड़ियां हैं वो रुक रुक के चल रही हैं, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक कर्मी हैं वो भी ट्रैफिक को पूरी तरीके से खुलवाने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। और जो ट्रैफिक जाम की समस्या है वो फिलहाल आउटर रिंग रोड की बात की जाए, अगर बुराड़ी से लेकर के करनाल बाईपास और बादली तक की बात की जाए तो भारी ट्रैफिक जाम यहाँ लगा हुआ है। जी गाजियाबाद में तो एहतियातन स्कूल बंद कर दिए गए हैं ताकि बच्चे घरों में ही रहें। हर्षित, ये बताइए कि दिल्ली में भी हमने कल भी देखा कि कई पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा था क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी। आज भी क्या कुछ ऐसी स्थिति है, क्योंकि परिजन जानते हैं कि 24 घंटे अभी बारिश होगी दिल्ली NCR में। बिल्कुल, देखिए सवेरे जिस समय लोग उठे थे तो मन यही बना करके उठे थे दिल्लीवासी कि बच्चों को तैयार करेंगे, स्कूल भेजेंगे। लेकिन जिस समय बाहर निकले हैं और जो बारिश के हालात देखे हैं, मौसम के हालात देखे हैं, तो लोगों का मन बदला है और तमाम ऐसे पेरेंट्स होंगे जो जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल इसीलिए नहीं भेजा कि लगातार आने वाले कुछ घंटों तक दिल्ली में बारिश होनी है और ऐसे में
बच्चों को स्कूल जाना और छोड़ना और वहां से लेकर के आना भीगते हुए, ये कहीं ना कहीं बच्चों की सेहत पर असर कर सकता है। और इसी वजह से जो पेरेंट्स है, कई पेरेंट्स जो है उन्होंने स्कूल की छुट्टी करा दी है। हालांकि स्कूल की तरफ से कोई छुट्टी दिल्ली में नहीं करी गई है, लेकिन खुद पेरेंट्स ने जो एहतियात के तौर पर कि बच्चे ना भीगे, नुकसान ना हो, सेहत खराब ना हो, इसके चलते बच्चों की छुट्टी करा दी है। घर में ही बच्चे हैं, और यही मैंने बताया था कि जिन लोगों को स्कूल जाना है, जिन लोगों को अपने काम पर निकलना है, वो लोग खास तौर पर इस बारिश से प्रभावित हुए हैं। भीगने वाली स्थिति बन गई है, साथ ही साथ जो जाम की स्थिति है वो लोगों को ज्यादा परेशान कर रही है। अगर मैं खुद अपने परिवार की बात करूं तो मैंने भी जो अपने अपने जो बच्चियां थी उनको स्कूल नहीं भेजा है। इसी वजह से नहीं भेजा कि बारिश में उन लोगों को भीगना पड़ेगा और सेहत खराब होगी, इस वजह से उनकी छुट्टी करा दी गई। तमाम ऐसे पेरेंट्स हैं जो छुट्टी करा करके बच्चों को घर में ही रखा हुआ है कि